सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BGMI। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉयस्टिक स्टक इशू एंड फायर स्टक इशू के ऊपर। सो इसमें सीन ये होता है कि जब आप एनिमी के सामने जिगल दे रहे होते हो या कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हो, तो उसमें बीच में आपकी जॉयस्टिक अचानक से अटक जाती है और आप एकदम स्टिल पोजिशन में आ जाते हो। और सेम सीन फायर स्टक वाले इशू में भी होता है कि जब आप फायर दे रहे होते हो जिगल देते हुए एनिमी को, तो उस टाइम आपका फायर बीच में ही अटक जाता है, जिसके कारण आप मारे जाते हो बहुत से टाइम पे। और अगर गाइज ये सीन आपके साथ रैंक पुश के टाइम हुआ होगा तो भाई दिल से बुरा लगता है यार, समझ सकता हूँ भाई मैं, मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा। बट ये क्लासिक्स में कम होता है, ज़्यादातर ये चीज़ टीडीएम में होती है। सो गाइज कोई इशू नहीं है, दोनों के लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्लासिक के लिए भी और टीडीएम के लिए भी। तो भाई वीडियो पे बने रहना और एंड तक वीडियो को देखना। सो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम जो आपको आती है, फायर स्टक हो गया या फिर जॉयस्टिक स्टक हो गया, ये प्रॉब्लम्स आपको टच इशू के कारण आती है। तो भाई बेसिकली इस वीडियो में आपके सारे टच रिलेटेड इश्यूज, बग्स, ग्लिचेस जो भी है सब कुछ फिक्स हो जाएंगे। सबके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी भाई बहुत ही इजी वे में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू कोई मैथ का सॉल्यूशन थोड़ी बताने वाला है कि जो तू इजी वे या हार्ड वे कर रहा है। तो मेरे भाई वो कहने का मतलब नहीं था मेरा, मेरे कहने का ये मतलब था कि बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे कि डेवलपर ऑप्शन में जाओ, फ़ोन की सेटिंग्स में ये करो वो करो, बहुत मतलब झोल झाल बहुत झंझट बताते हैं। लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको गेम के अंदर की चीज़ें बताऊंगा जिससे आप गेम के अंदर क्या सीन है वो फिक्स कर सकते हो। और अगर गेम के बाहर मतलब आपके फ़ोन के साथ कुछ इशू है उस पर भी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, आप बता देना। अगर इस वीडियो से आपका इशू फिक्स हो जाए तब तो भाई बहुत सही, अगर नहीं हुआ तो भाई मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा। सो गाइज अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने गेम को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेरे लेफ्ट साइड में ये देखो, अब मेरा डाउनलोड बटन दिख रहा होगा, ये आपके ऊपर होगा कि आपने इसको कहाँ पे सेट कर रखा है। और उसके बाद इस पे टैप करने के बाद आपको इधर आना और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम रिसोर्स पैक, ये 110 MB का होगा, इसको भाई पूरा डाउनलोड कर लेना। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे भाई क्या फ़र्क पड़ता है डाउनलोड हो ना हो, ये तो भाई फालतू का, अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो फ़ोन पे स्टोरेज खाएगा। तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डाउनलोड अगर करोगे ना तो आपके गेम के अंदर जो भी बग्स एंड ग्लिचेस होंगे ना वो इसे फिक्स हो जाएंगे। सो गाइज इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो भाई सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप कस्टमाइज बटन्स वाले ऑप्शन पे जाना। कस्टमाइज बटन में मेरा पहला लेआउट है तो मैंने उस पर टैप किया, और उधर जाने के बाद आपको ऊपर दिख रहा हो कि अभी क्लासिक TPP का लेआउट लगा हुआ है, तो उधर आपको टैप करना और वहाँ से आपको क्लासिक FPP सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। और क्लासिक FPP सेलेक्ट करने के बाद आपको जो TPP वाला लेआउट था उसको इसमें कॉपी कर लेना है, और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको वापस से अपने क्लासिक TPP पे जाना है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद इसको सेव नहीं किया था, तो भाई आप इसको सेव कर लेना है यहाँ पे। मैं भी इसको अभी सेव कर लेता हूँ। और भाई सेव कर लेने के बाद आपको चले जाना है अपने क्लासिक TPP वाले लेआउट पे, और इधर आने के बाद आपको इसको कर देना है रीसेट। यस गाइस, रीसेट करना है इसको भाई, टेंशन ना लो, आपका लेआउट फिर से वापस मिल जाएगा आपको। तो रीसेट कर लेने के बाद आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, मैंने कर दिया अभी रीसेट। अब इसके बाद आपको रीसेट करने के बाद इधर फिर से क्लासिक TPP वाले लेआउट को, सॉरी FPP वाले लेआउट को कॉपी कर लेना, और कॉपी करके फिर सेव कर देना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको करने से होगा क्या। तो गाइस इसको करने से ये होगा कि जो आपके जॉयस्टिक या फिर फायर बटन में जो भी ग्लिच वगैरह या कुछ बग वगैरह होगा तो वो फिक्स हो जाएगा इसको करने से, क्योंकि गाइस आपने पूरा लेआउट रीसेट किया, ठीक है। और गाइस इसी में आपको एक और चीज़ करनी है, ये जो जॉयस्टिक के ऊपर आपको स्प्रिंट वाला बटन दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा लंबा करके रख लेना जैसे मैंने किया हुआ, इससे भाई आपका स्टकिंग इशू काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। और यही सेम सीन भाई आपको यही सेम सीन थर्ड वाले लेआउट में भी करना है। ये देख लो गाइस, इसमें मैंने अपने कंट्रोल्स तो लगा रखे बट मैं इस पर खेलता नहीं भाई, मैं फर्स्ट वाले को ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर। सो गाइस दोनों लेआउट्स का सेम सीन है, जैसा मैंने इसमें किया वैसा आप उस पर कर लेना। तो भाई ये था अपना सेकंड स्टेप, अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। तो भाई तीसरी चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जाना सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप कंट्रोल्स पे जाना, और कंट्रोल्स पे जाने के बाद आपको टॉप में दिख रहा होगा एडवांस कंट्रोल, उस पर टैप करना, और उधर जाने के बाद आपको नीचे दिख रही होगी स्प्रिंट सेंसिटिविटी, इसको कर लेना 90 पे। 100 भी कर लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है भाई, 90 रखो 100 रखो दोनों सही है। मैं तो भाई 90 यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को वही सही लगता है, बाकी भाई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो गाइज़ ये स्प्रिंट सेंसिटिविटी जरूर से कर लेना, इससे मूवमेंट पे आपके काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसको बहुत कम कर दोगे तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, और अगर इसको फुल रखोगे तो भाई सही मूवमेंट होती है एकदम मस्त वाली। तो भाई ये था अपना थर्ड स्टेप, अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। सो गाइज इसको समझाने के लिए मेरे को आपको ट्रेनिंग राउंड में आना पड़ेगा, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं बस आपको समझाने के लिए आया हूँ इधर। तो भाई आपको यहाँ पे दो फायर बटन दिख रहे होंगे मेरे, एक है ये मेरा राइट वाला फायर बटन है, हाँ राइट है ना भाई, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें राइट लेफ्ट में। और ये जो छोटा वाला ये मेरा लेफ्ट वाला फायर बटन है। तो देखो मैं इनका सीन बताता हूँ आपको, जो ये राइट वाला फायर बटन है ना, जब इस पर आप टैप करोगे तो इससे भाई आपका कैमरा एंगल मूव नहीं होता, और अगर वही ये लेफ्ट वाले फायर बटन पर आप टैप करोगे तो इससे आपका कैमरा एंगल भी मूव होता है। चलो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, मैं पहले गायरोस्कोप ऑफ कर लेता हूँ अपना।
सो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि जब मैं अपने फायर बटन पे टैप करके और ये मैं अपने फायर बटन पे ही ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था, इससे भाई मेरा कैमरा एंगल भी मूव हो रहा था साथ साथ में। तो भाई ये था मेरा राइट वाला फायर बटन, ये राइट वाले फायर बटन का सीन था। अभी मैं आपको स्कोपिंग करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो मेरा एम पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका ये सीन है भाई कि मैंने जो सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी पे मैंने एडीएस कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी 1% करके रखी हुई है। इसीलिए भाई मतलब जब मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल करूंगा ना कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गाइस मैं एक फुल ऑन गायरो प्लेयर हूँ। सो गाइस मेरे को मतलब स्वाइप करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं टिल्ट करके ही काम चला लेता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये देख लो आप, राइट फायर बटन का ये सीन है, कैमरा एंगल मूव होता है। चलो मैं आपको लेफ्ट फायर बटन का सीन बताता हूँ। ये देखो जब मैं लेफ्ट वाले फायर बटन पे टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा कैमरा मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पे ये बहुत स्टेबल है भाई राइट वाला फायर बटन, मतलब जब आप इस पे टैप करके किधर भी स्वाइप करोगे ना तो आपका कैमरा मूवमेंट नहीं होगा, बस फायर होगा इससे। यहाँ पे गाइस मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मतलब जब आप फायर बटन के ऊपर स्वाइप करोगे, कहीं पे स्क्रीन पे नहीं बोल रहा हूँ, फायर बटन के ऊपर स्वाइप करने को बोल रहा हूँ। तो भाई एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भाई ज़्यादातर ट्राई करो कि ये लेफ्ट वाला फायर बटन ही यूज़ करने का। राइट वाला भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सूटेबल पड़ रहा है और कौन सा आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब तो ये भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे ज़्यादा सही कौन सा फायर बटन चल रहा है। अगर राइट वाला चल रहा है तो भाई वही यूज़ कर लो, अगर लेफ्ट वाला चल रहा है तो वो यूज़ कर सकते हो। भाई बहुत से लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं, तो ये तो भाई टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा यूज़ करोगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये दोनों फायर बटन का सीन समझ आ गया होगा। सो गाइज यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करने के बाद आप अपने BGMI का फायर स्टक इशू, जॉयस्टिक स्टक इशू दोनों को फिक्स कर सकते हो, या फिर कोई सा भी टच इशू हो गेम के अंदर वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा इतना सब यूज़ करने के बाद। सो गाइज आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर फर्दर फ्यूचर में कोई भी इशू आए तो भाई बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। सो गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।